बच्चों को छुट्टियों में व्यस्त कैसे रखे, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। समर वेकेशन या विंटर वेकेशन हो या क्रिसमस वेकेशन हो, माँ बाप को बच्चों की छुट्टियां बोले तो टेंशन आ जाता है, स्पेशली मम्मी लोगों को। और बच्चों को लगता है कि बहुत मजा है, अभी स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मजा भी करनी है, ऐसा उनको लगता है। अभी ये वेकेशन का अच्छा इस्तेमाल कैसे करना और इफेक्टिवली हम इस्तेमाल करके बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसा कर सकते हैं, वो हमें देखना होगा। जैसा वेकेशन में भी बच्चों को सुबह उठने की आदत डाल के रखो, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। क्या होता है कि जब स्कूल रहती है तो बच्चे सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल में जाते हैं। वेकेशन है तो फिर लेट उठना है, तो फिर वो वेकेशन में समझो 1 महीना 1.5 महीना वेकेशन है, तो उसमें वो आदत बिगड़ जाती है और बाद में मुश्किल जाती है। तो वेकेशन में भी बच्चों को सुबह उठने की आदत डालनी है। फिर सुबह उठने के बाद में उनको योगा, प्राणायाम, फिर कुछ गार्डनिंग, ऐसे कामों में उनको व्यस्त रखने का है। फिर सुबह ये काम हो गया, थोड़ा एक्सरसाइज सवेरे करने के लिए बोलना है उनको। फिजिकल एक्सरसाइज है 30 to 40 मिनट्स। और ये होने के बाद में फिर उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद में फिर कुछ वो पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लर्निंग हो सकता है, इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, और कुछ और एक्टिविटीज वो कर सकते हैं, जैसा कुछ सीखना है, लर्निंग है, तो वो कर सकते हैं। फिर बाद में दोपहर का लंच हो जाता है, फिर दोपहर में रेस्ट होती है, फिर रेस्ट के बाद में इंडोर गेम्स के लिए बच्चों को हम ट्रेन कर सकते हैं, जैसा कैरम है, चेस है, और ऐसे कोई गेम जिसमें मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का होगा, कोई क्विजेस है तो उस क्विज में उनको व्यस्त रखते हैं, या कुछ ऐसे गेम्स मोबाइल पे की गेम्स की जिसमें उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो कोई टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट, उसमें उनको बिजी रखना है। तो दोपहर के बाद में फिर शाम को उनको हम आउटडोर गेम के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए हम उनको व्यस्त रख सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट में फिर मतलब या टीम डेवलपमेंट या टीम में रहना, तो उसमें फिर क्रिकेट जैसा गेम है, फुटबॉल है, हॉकी है, या फिर शाम के समय समझो कोई समर कैंप्स है तो उसमें वो जा सकते हैं, या फिर जैसा कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स है, या कोई लैंग्वेज का है, कंप्यूटर है, स्केटिंग है, ऐसे कुछ भी कोर्सेज वो सीख सकते हैं, और फिर उसमें वो डेवलप अपने आप को कर सकते हैं। फिर वो आने के बाद में फिर रात का टाइम है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल देने का है। जैसा उनको कोई स्टोरी सुनाते हैं, देखो तो बच्चों को ना एडवाइस दिया तो अच्छा लगता नहीं है, एडवाइस देना है तो आपको स्टोरी के माध्यम से देना होगा। तो रामायण महाभारत की स्टोरी है, अकबर बिरबल की स्टोरी है, ऐसे कोई मोटिवेशनल स्टोरीज, फिर जो लोगों ने एकदम गरीबी से बहुत बड़े हो गए, अमीर हो गए, उनकी स्टोरीज, तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल है उनकी स्टोरीज है वो हम बच्चों को सुनाते हैं, या फिर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें उनको, या चाणक्य की नीति है जिसमें उनको कुछ ना कुछ समझना और समझ के डेवलप होना संभव है, ऐसी स्टोरीज। और फिर रात में उनको मतलब मॉरल वैल्यूज देना है, मॉरल वैल्यूज में उनको सिखा सकते हैं कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, ऑनेस्टी कैसी है, तो ये सिखा सकते हैं, और फिर बाद में वो सो सकते हैं। इसमें एक ख्याल रखना है कि बच्चों को समझो एक बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया तो होता क्या है कि सब तरह वो इन्वॉल्व रहते हैं और मास्टरी एक में भी नहीं मिलती। तो ये हमको पक्का रखना है कि उसका इंक्लिनेशन कहाँ है, कल कहाँ है उसका, और इंक्लिनेशन जहाँ है वो एक चीज डेवलप करने के लिए काफ़ी होती है, और उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके कॉन्सेंट्रेशन करना जरूरी है। समझो उसमें वॉलीबॉल में उसका इंक्लिनेशन है, फुटबॉल में है, या चेस में है, या कैरम में है, या फिर कोई सीखने में है, मतलब कोई स्पीकिंग में है, तो ऐसा कोई भी उसका है तो उसमें उसको मास्टरी देनी है, ताकि वो आगे चल के फिर उसका मास्टर बन जाएगा। तो मालूम सब होना चाहिए, मास्टर एक में होना चाहिए, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, ऐसा होना चाहिए। तो वो हिसाब से ख्याल में रखते हुए बच्चों का डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो ऐसा सब डेवलपमेंट हम बच्चों का करते हैं, एजुकेशनल है, सब डेवलपमेंट करते हैं, तो उनका एक अच्छे नागरिक बन के वो आगे देश की सेवा कर सकते हैं और हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए पहले पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि हमारी कौन सी बुरी आदतें हैं, वो हमको निकालना है। पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि हम टीवी में कितना टाइम गंवाते हैं, कि हम व्हाट्सएप में कितना टाइम गंवाते हैं, यूट्यूब में कितना, मतलब हम फालतू गपशप करना और फालतू चीज़ें जिसमें
सिर्फ टाइम पास है, गॉसिपिंग है, इसमें हम कितना टाइम कमाते हैं, अपने पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसा बच्चा करेगा, जैसे पेरेंट्स के पेरेंट्स करेंगे मतलब घर में दादा दादी है वो करेंगे, वैसा बच्चा करेगा। तो फिर हमको ये बच्चों को सिखाना है, बच्चों को कुछ आगे बड़ा बनाने का है, तो उसका एक उदाहरण बच्चों के सामने पेरेंट्स ने रखना चाहिए, और वो पेरेंट्स रखते हैं तो बच्चों तो पक्का अच्छे बनेंगे बनेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जब ये सभी मतलब पेरेंट्स लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।